हेलो दोस्तों, सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इन दस ज्ञान इंडिया का अपना ज्ञान को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज हम सबसे पहले एक अच्छे खबर से अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस का शुरुआत करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, देश में चारों तरफ दंगे, फसाद, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहीं देश के दूसरे तरफ यानी कि हमारे वैज्ञानिक देश का नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको साइंस फिक्शन स्टोरीज़ इन सब में दिलचस्पी है तो ये आपको खबर बहुत अच्छी लगेगी, जो कि है व्योमित्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे पहले अनमैंड मिशन, जो कि आप सभी जानते हैं कि गगनयान 2024 में प्लान्ड है। तो उसके लिए इसरो अभी से ही तैयारी में लगा हुआ है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि रसिया में इंडिया के चार इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स फाइनल हो चुके हैं, जो कि गगनयान मिशन में जाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं इस व्योमित्रा के बारे में, ये है क्या असल में। तो ये दोस्तों असल में एक ये तैयारी है उस गगनयान मिशन को पूरा करने की, जिसमें इस साल के लास्ट तक, दिसंबर तक यानी कि व्योमित्रा को प्रोटोटाइप है, ये एक रोबोट है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको भेजा जाएगा और जिससे ये पता चलेगा कि कितना सेफ है स्पेस ट्रैवल इंडिया के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। ये हाफ ह्यूमनाइड का मतलब क्या होता है? तो हाफ ह्यूमनाइड असल में एक रोबोट ही होता है जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसके लिए इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इसका नाम जो व्योम मित्रा रखा गया है, उसका मतलब देखिए क्या है। व्योम का मतलब स्पेस, मित्रा का मतलब फ्रेंड यानी स्पेस का दोस्त। इसको हाफ ह्यूमनाइड रोबोट भी कहा जाता है। इसका इंसानों की तरह ही एक ही सर, दो हैंड, उसका पूरा शरीर इंसानों की तरह होता है, बस उसके लोअर लिम्स नहीं होते हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि इसरो ने इसे डेवलप क्यों किया है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इसरो जो है प्लान कर रहा है कि ह्यूमन को सेंड करे स्पेस में पहली बार इंडिया की तरफ से, वो भी 2022 का इसका टाइम रखा गया है। अब ये जो रोबोट है, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, ये बस एक तैयारी के रूप में रखा गया है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि सेफ़ ट्रैवल है और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में वो रिटर्न सेफ आ सकें, हमारे धरती पे सेफली आ सकें। दूसरी कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉन्च कर रखा है ह्यूमंस को स्पेस में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि पहले व्यक्ति थे चांद पे जाने वाले, और अभी हम चांद पे नहीं जा रहे हैं बल्कि स्पेस में जा रहे हैं, तो चांद पे भी जाएंगे एक दिन। अब हम ये जानेंगे कि इसरो इस ह्यूमनाइड रोबोट को टेस्ट करने के लिए GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको वो इस्तेमाल तब भी करेगा जब वो गगनयान मिशन स्टार्ट होगा। अब इसका भी एक तरह से टेस्ट है कि GSLV Mark 3 रॉकेट किस तरीके से काम करता है इस सिचुएशन में। अब हम ये जानेंगे कि व्योमित्रा किस तरीके का टास्क परफॉर्म करेगा स्पेस में जाके। तो आपने, आप में से ज़्यादातर लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें स्पेस और टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और बहुत पावरफुल, जिसका नाम था टास्क, TARS, जो कि एस्ट्रोनॉट से बात भी करता था, उनके मिशन में उनकी हेल्प भी करता था और उन पे कुछ मुसीबत आने पे उनको प्रोटेक्ट भी करता था। तो ये सारे कैपिटल जो है, ये सब चीज़ वो, लेकिन असल में ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं था, लेकिन अभी हम ह्यूमनॉइड रोबोट भेज रहे हैं, यानी कि वो इंसानों की तरह दिखता है लेकिन सारे काम उसके रोबोटिक हैं। अब व्योमित्रा भी जो है वो भी सब वहाँ पे जाके टेस्ट करेगी हर एक चीज़ का, हर एक स्विचेस का, कि किस तरीके से इंसानों को वहाँ पे कितनी मदद मिलेगी। तो ये सब का काम व्योमित्रा को वहाँ के जाके करना है। वो पूरी तरीके से एक बार जब हम ये श्योर हो जाएंगे कि अब सक्सेसफुल हम लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं स्पेस में, तब जाके इसरो मैन मिशन को चालू करेगी। तो उसके बाद हम आगे ये जानते हैं कि अभी क्या अलग देशों में क्या ह्यूमनाइड स्पेस मिशन हुआ है आज तक या नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो सबसे रीसेंट स्पेस मिशन, जो कि एक रोबोट ने किया था जिसका नाम था रिप्लाई, जो कि किसने भेजा था, स्पेस एक्स ने अपने फैल्कन रोबोट रॉकेट से
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार ह्यूमनॉइड हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेज रहा है, इससे पहले बहुत बार इस्तेमाल किया जा सका है, जिसमें से एक नाम सिमोन का भी आता है, जिसका फुल फॉर्म है क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपेनियन, जो कि वो भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, एयरबस ने उसे डिप्लॉय किया था। अगला हम अगर बात करें रशियन ह्यूमनॉइड रोबोट का, जिसका नाम फेडोर था, वो भी 2019 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, जो कि इसरो बहुत ज़्यादा देश का नाम रोशन कर रहा है और स्पेस में दिलचस्पी दिखा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे ही नीचे है, जिसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी पोलियो फिर से वापस आ चुका है, तो क्या इंडिया को इससे डरने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, पोलियो जो कि बहुत एक ख़तरनाक डिसीज़ था, और इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल दे रखा है। तो अभी हम पिछले एक साल में हमने देखा है कि पोलियो जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में कम बैक कर चुका है, जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये वापस आ चुका है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि दिसंबर 8, 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया के थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि पहली बार उनके देश में, पहली बार नहीं, 1992 के बाद ये पहली बार है कि उनके देश में पोलियो का कोई केस आया है, और WHO ने भी इस टेस्ट को कंफर्म किया, यानी कि सच में मलेशिया में पोलियो आ चुका है। उसके साथ साथ फिलीपींस में भी पिछले साल 19 तारीख को उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया कि पोलियो उनके देश में भी आ चुका है, क्योंकि 2 केसेस वहाँ पे भी रिपोर्ट किए गए थे। तो पोलियो है क्या, इससे हमें डरने की क्यों ज़रूरत है, पहले अभी से हम जानते हैं। पोलियो एक तरह का क्रिपलिंग और एक पोटेंशियली डेडली डिसीज़ है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को जब पोलियो हो जाता है, उनका बहुत अंग काम भी नहीं करने लग जाते, वो बहुत अलग तरह का डिसीज़ है। क्या होता है इसमें कि वायरस भी जब पोलियो किसी को हो जाता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो गया पर्सन, उसके अंदर स्टेमिना कम था, या आप ये कह सकते हैं, और उसको वायरस हो जाता है, और इसकी खास बात ये है कि ये स्प्रेड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पोलियो। अब ये स्प्रेड किसी भी तरीके से हो सकता है, हम खांसते हैं उससे हो सकता है, किसी से हाथ मिलाते हैं उससे हो सकता है, किसी का झूठा पानी पी सकते हैं उससे हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं पोलियो को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र होने का। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या कर रहा है इंडिया इसके खिलाफ। तो जनवरी 2014 में इंडिया डिक्लेयर हो चुका था कि अब इंडिया पोलियो फ्री देश बन चुका है, क्योंकि लगभग 3 साल तक 2014 से पिछले 3 साल, यानी कि 2011 के बाद कोई केस इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया पोलियो के लेके, इस वजह से इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद ये अचीवमेंट तो इंडिया के लिए काफ़ी है। अब हम आगे देखें तो अभी इंडिया क्या मेज़र ले रहा है, क्योंकि कुछ देशों में पोलियो हो गया है, तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने साफ कहा है कि हम जो भी एयरपोर्ट्स हैं और जितनी भी जगह वो कर सकते हैं कोशिश, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ताकि हमारे देश में पोलियो ना आ सके, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन पोलियो हो जिससे वो देश में ना आ सके। तो इस तरीके की बहुत सारी मेज़र लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो चलते हैं अब हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 8 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे एक आर्टिकल दे रखा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन जो भी UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। क्या है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल है काठमांडू जो है वो इनवाइट कर रहा है मोदी को भी, इमरान को भी, किस चीज़ के लिए? सागरमाथा डायलॉग के लिए। तो अब इसको हम जानते हैं कि सागरमाथा डायलॉग है क्या। ये एक फ्रेश इनिशिएटिव है नेपाल ने जिसको चालू किया है, जिसमें सार्क देश के जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है नेपाल में, जिसमें कौन पाकिस्तान, चाइना और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आते हैं सार्क में, उनको नेपाल में बुला रहा है सागरमाथा संवाद, जो कि अप्रैल में होने वाला है इस साल। तो जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है प्रदीप कुमार गहवाली, उन्होंने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया है और इमरान खान को भी। तो अब इसको हम ये जानते हैं कि जो संवाद डायलॉग है, इसका नाम जो पड़ा, ये वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट माउंटेन जिसे हम सागरमाथा, जो कि माउंट एवरेस्ट की रेंज में है, जिसका नाम है सागरमाथा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके नाम से ये संवाद डायलॉग पड़ा है, जिसका सिंबल क्या है कि फ्रेंडशिप और
इन्होंने ये भी कहा है कि इसका थीम क्या होगा, इसका थीम ये होगा, ये पहले आप ये जान लो कि इसका ये फर्स्ट एडिशन है, यानी पहली बार ये शुरुआत हो रहा है नेपाल में इसका। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये हर 2 साल पे ये जो है चालू हो रहेगा। तो अब हम इसका ये जानेंगे कि इसका थीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इनका इस साल का थीम है क्लाइमेट चेंज, यानी बढ़ते क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करना और स्टेप्स आगे बढ़ाना। और माउंटेन्स के बारे में भी इनका थीम है, क्योंकि नेपाल में माउंटेन्स हैं, तो वो माउंटेन्स पे भी चर्चा कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या माउंटेन्स का इम्पैक्ट होगा ह्यूमैनिटी पे और किस तरीके से हमें देखभाल करना है उसका। तो ये एक काफ़ी अच्छा है न्यूज़ है। और ये साथ में ये भी चाह रहे हैं कि नेपाल की इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों आके हो सकता है कुछ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन में सुधार आए, दोनों एक दूसरे से बातचीत करें। तो अब ये नेपाल का मूव है अपनी तरफ से, लेकिन देखना ये ज़रूरी होगा कि नेपाल और इंडिया एंड पाकिस्तान क्या ये अपने जो हेल्थ मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री है इनको वहाँ भेजते हैं या खुद उच्च लेवल यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे वहाँ पे जाते हैं। तो ये देखना जरूर देखेंगे हम अप्रैल में। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। आगे हम द एडिटोरियल के आइडियाज़ पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक आर्टिकल अमित चौधरी ने लिखा है, जो कि एक नॉवलिस्ट हैं। और इन्होंने ये अपना आर्टिकल लिखा है किस चीज़ पे, कि देश भर में CAA का प्रदर्शन चल रहा है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और रिपब्लिक डे भी है कल, यानी कि 26 जनवरी को। तो इन्होंने ये एक विरोधाभास अपना प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट के सामने, कि जो पूरे नेशनल वाइड में प्रोटेस्ट चालू है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ, जो कि बोथ हाउसेस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट की भी उसको मंजूरी मिल चुकी है, अभी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, लेकिन देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि सही नहीं है। इनका ये कहना है अपने पूरे आर्टिकल में, जो कि ये गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, आपको कानून वापस ले लेना चाहिए, इसको शांत करवाना चाहिए। तो ये पूरा इनके आर्टिकल का सारांश है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो आर्टिकल जो कि सुरजीत भाला और करण भासिन ने लिखा है, ये इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं कि 2011-2012 में इकोनॉमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 2017-18 में भी इकोनॉमी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2018 के बाद इकोनॉमी की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो इनका ये कहना है, अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इसमें से एक राइटर यानी कि जो सुरजीत भालिया हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IMF के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को। और करण भासिन जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो अब हम इन्होंने ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने ये लिखा है कि हम एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिनका GDP जो ग्रोथ है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में लगभग 7% तक रहा, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था इंडिया का, जिसमें देश जो कि विदेशों को इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ और उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन 2019-20 का अगर हम देखें तो इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गया, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी इंडिया से कि इतना नीचे इकोनॉमी आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को आइडिया दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से इकोनॉमी को बनाए रखना है, जिससे आपकी इमेज भी बनी रहे और आपका जो 5 ट्रिलियन का सपना है वो भी पूरा हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेके चली है, टारगेट लेके चली है, तो वो पर ईयर लगभग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का देख रही है कि हमें पूरा करना है। तो वो इसी पे ही अपने व्यूज़ प्रकट कर रहे हैं। तो अगला हम नीचे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि कपिल सिब्बल ने लिखा है, जो कि जाने माने हस्ती हैं, आप सभी ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, इन्हें TV पे ज़रूर देखा होगा, ये एक सांसद भी हैं और कांग्रेस में है ये। अब इन्होंने ये भी गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा 70th रिपब्लिक है ये और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था और ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता था। तो इनका कहना ये है कि IMF ने भी ये कहा है कि इंडिया की जो GDP 2019-2020 के लिए है वो 4.8% रहने का अनुमान दिया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बहुत कम जाती जा रही है, कि इंडिया को अब एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी कि जो मरते हुए को एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, जिससे वो फिर से जी जाए, रिवाइव हो जाए, उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, इनका ये कहना है।
अब हम आगे देखें तो इन्होंने ये भी कहा है कि अब इस समय इकोनॉमी का कोई भी रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि टेलीकॉम कंपनीज जो कि वोडाफोन आइडिया इन सब, अभी आप सभी जानते हैं कि AGR का ड्यूज इस पे लग रहा है, यानी कि इन सबको जितना भी लाइसेंस फी एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू इसका फुल फॉर्म है, इस सबका 1.4 लाख करोड़ गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो वोडाफोन आइडिया ये सब कह रहे हैं कि हम पे नहीं कर पाएंगे, तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये लोग मार्केट से चले जाएं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट पे ब्लेम लगा रहे हैं कि रियल इस्टेट इस समय ICU में है, यानी बहुत क्रिटिकल हालत में है। और ये बहुत कुछ कहते हैं कि GST पे भी ये ब्लेम लगाते हैं कि GST की वजह से जो टैक्स कलेक्ट होता था पहले, जो अब कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कैसे पूरा करेगी। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, लगभग 20 से 24 साल की उम्र की हम बात करें तो सितंबर दिसंबर यानी कि पिछले साल ये लगभग 60% था, जो कि ग्रेजुएट जो लोग थे उनमें। इस साल 2019 की अगर ये बात करें तो 63.4% बढ़ गया, यानी कि 3% करीब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो ये भी कहना है इसका अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये गवर्नमेंट पे ब्लेम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट का एजेंडा जो है सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सब चीज़ों को ध्यान रख के अपना काम करते रहना चाहिए। इस वजह से ये कह रहे हैं कि जो ये रिपब्लिक हमारा 70th रिपब्लिक है, ये और ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता था हमारे लिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला हमारा न्यूज़ आर्टिकल US से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि US के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इमिग्रेशन के लेके कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो किसी भी तरीके से अपने देश में ऐसे लोगों को नहीं अलाउड करना चाहते। वो नहीं चाहते कि जो दूसरे देश के कंट्रीज़ हैं उनको अमेरिकन जो सिटीजनशिप मिले। तो इसके लिए वो एक और कदम उठा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो भी प्रेग्नेंट वुमेन जो कि यूनाइटेड स्टेट में सो कॉल्ड बर्थ टूरिज्म के नाम से आती है, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादातर अगर घूमने के लिए मतलब बर्थ टूरिज्म के नाम से वो अमेरिका में जाती है, उनको वीज़ा मिलता है। तो क्या होता है कि अगर जो वो प्रेग्नेंट लेडी है वहीं पे उनका चाइल्ड हो जाता है अमेरिका में ही, तो क्या होगा कि उसको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लोग अमेरिका में आके अमेरिकन सॉइल पे किसी को बर्थ दें और उसको अमेरिकन सिटीजनशिप इस तरीके से मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि इससे जो अमेरिकन सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो इसका वीज़ा है वो भी ये चाह रहे हैं कि एक तो या तो कम हो जाए या फिर ये जो बर्थ टूरिज़्म है ये ख़त्म हो जाए अमेरिका में। तो ये हमारे जो US के प्रेसिडेंट है ये उनका कहना है, लेकिन अभी इसके अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें दिक्कत आ सकती है। कैसे कि कैसे ऑफिसर्स को पता चलेगा कि कोई जो लेडी है वो बर्थ देने वाली है कब, क्योंकि जो टाइम पीरियड अगर 9 मंथ्स का होता है लेकिन आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते फिक्स कि कब बर्थ होगा, तो इसको लेके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका अभी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है अपने इमिग्रेशन को लेके। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे इकोनॉमी पेज में लगभग आपको 3 आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अभी जो हमारा हाल में ही बजट आने वाला है उसको लेके है कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से कमज़ोर हो रही है और उसे आगे रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिसमें कि जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने ये कहा फ्राइडे को कि इंडिया को भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिजिकल मेजर्स को लेने की ज़रूरत है ताकि इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव मिल सके और वो आगे बढ़ सके। ये कहना है RBI के गवर्नर का। आगे हम चल रहे हैं कि अभी आप सभी को मैंने AGR के बारे में बताया, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, जिसमें इन सभी कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ड्यू अमाउंट देना है। तो जो नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स हैं लाइक ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, DMRC जो कि दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन है, ये सब सुप्रीम कोर्ट में एक पैटिशन अर्जी दायर कर रहे हैं कि जो उन्होंने उनका जो 24 अक्टूबर 2019 का फैसला था AGR को लेके, कि AGR में क्या क्या इंक्लूड होगा, कि AGR में जितना भी रिवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं यानी कि
वोडाफोन आइडिया जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स थी उनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर्स है वो जितना भी इनकम अर्न करती है अपने उपभोक्ताओं से और साथ साथ उन पे जितना भी एसेट्स है, जितना भी पैसा है, उस पैसे से वो पैसा जो कमाते हैं उसका उनको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यानी उन्होंने अगर उससे कमाया हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख रखा है उन टेलीकॉम सेक्टर्स ने, या अपने बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें बेच के पैसा कमाते हैं, तो उसका भी टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इस चीज़ को लेके इन सभी जो भी नॉन टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या ये चीज़ हम पे भी लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो इस सवाल को लेके ये सभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है IMF की तरफ से। अभी जो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, अभी कौन सी 50th मीटिंग हुई थी, जो कि अभी एंड हुई है। अब इसके बाद बहुत सारे देशों के अपने अपने बयान आए जा रहे हैं, तो जिसमें IMF की जो चीफ हैं क्रिस्टेलिनिया जॉर्जिवा, उन्होंने ये कहा है फ्राइडे को कि अभी जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड भर में स्लो डाउन चल रहा है, जिसमें कि इंडिया से ये एक्सपेक्ट्स कम था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया इसी तरीके से रहेगा। इन्होंने ये कहा है इंडिया का जो ये इकोनॉमी डाउन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रोरी है और वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, ये इनका कहना है। इनका इन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमी गिरने की वजह एक ये भी है कि चाइना और US के बीच में जो ट्रेड टेंशन था वो अब कम हुआ, अब जो है इकोनॉमी का ऊपर आने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इन पे इन अमेरिका और US की ट्रेड डील हो चुकी है, जिसको लेके इन्होंने बयान दिया है कि जितने भी जो मार्केट मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का भी सबसे कम जो है परफॉर्म कर पा रही है। तो ये कहना है कि वैसे इनको उम्मीद है कि इंडिया बेहतर कर पाएगी आगे। तो चलते आगे, हम अब हम एक ऐसे इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं जो कि आपने न्यूज़ में तो बहुत कम ही सुना हो या ना सुना हो। यानी कि आपने ये ज़रूर सुना होगा न्यूज़ में कि इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 प्लेस नीचे गिर चुका है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इंडिया जो है अब 8 पोजीशन ऊपर आ चुका है, यानी कि 72 पोजीशन किस चीज़ में, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ये है क्या ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ये जो है लॉन्च बाय इंस्टेड, इंस्टेड ने इसे जारी करती है, जो कि एक पार्टनर स्पॉन्सर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इसका ये कहना है कि इंडिया में जो है अब एबिलिटी ग्रो करने की बढ़ रही है और टैलेंट इंडिया में रिटेन करने की क्षमता अब इंडिया की ज़्यादा होती जा रही है। तो इसी का ये इंडेक्स है जिसमें टॉप 10 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड, US, सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क, नैदरलैंड, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। अब हम ब्रिक्स देशों की बात करें, ब्रिक्स देशों में इंडिया जो है वो लगभग 4th स्थान पर, जैसे कि चाइना 42वें रैंक पे है, रसिया 48th पे है, साउथ अफ्रीका 70 पे, इंडिया 72 पे है और ब्राज़ील 80th रैंक पे है। लेकिन फिर भी हम देखें ओवरऑल तो इंडिया जो है ब्रिक्स देशों में सबसे ऐसा मार्केट है कि जो सबसे लोवेस्ट मार्केट है, क्योंकि ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये सभी डेवलप बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का भी इकोनॉमी क्योंकि डाउन चल रहा है इस वजह से इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये था हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल। अगर आपको भी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका पूरा डिटेल दे रखा है, तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अब कल।